मोहम्मद अजमल खान, जिन्हें हकीम अजमल खान के नाम से जाना जाता है, दिल्ली भारत में एक चिकित्सक थे। जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय के संस्थापक में एक थे। उन्होंने दिल्ली के कारोबला बाग में स्थित एक अन्य स्थान आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की भी स्थापना की, जिसे तिब्बिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वह हिंदू महासभा के सत्र की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे। वे 1920 में विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बने और 1927 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। 11 फरवरी 1868 को जन्मे खान ऊना चिकित्सक के वंशज थे, जो मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उनका परिवार के सभी यूनानी डॉक्टर थे, जिन्होंने देश में अपने आगमन के बाद से चिकित्सक के इस प्राचीन रूप का अभ्यास किया था। उन्हें तब दिल्ली के रईस के रूप में जाना जाता था। उनके दादा हकीम शरीफ खान मुगल सम्राट शाह आलम के चिकित्सक थे और यूनानी चिकित्सक सीखने वाला एक अस्पताल शाह कॉलेज शरीफ मंजिल का निर्माण किया था। अजमल खान ने कुरान को दिल से सीखा और एक बच्चे के रूप में अरबी और फारसी सहित पारंपरिक इस्लामी ज्ञान का अध्ययन किया। अपने वरिष्ठ रिश्तेदारों के मार्गदर्शन में चिकित्सक के अध्ययन में अपनी ऊर्जा लगाने से पहले जो सभी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तिब्बत या यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उनके दादा ने शरीफ मंजिल अस्पताल शाह कॉलेज की स्थापना की थी, जो पूरे उपमहाद्वीप में सबसे अच्छे परोपकारी यूनानी अस्पतालों में से एक के रूप में जाना जाता था। जहाँ गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त था, उन्होंने अपनी यूनानी पढ़ाई सिद्दीकी दवा खाना दिल्ली के हकीम अब्दुल जमील के अधीन पूरी की।